नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। आज हम डिगलीपुर के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं, जो कि सीतानगर में आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं कह दूँ, इस वक्त जो है यहाँ के पब्लिक इसके सामने जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ कि डिगलीपुर में जो है लगातार बिजली की कटने से लोग जो है परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं, मैं बता दूँ, इससे पहले करीबन 2-3 महीने पहले जो है यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पर जनता रात भर यहाँ पर सामने खड़े के स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो डीजी सेट था उसे जो है हैवलॉक लेकर जा रहे थे, और यहाँ के जनता चाह रहे थे कि वो यहाँ से जो है बाहर ना जाए, क्योंकि अगर डीजी सेट बाहर जाता है तो यहाँ के जो पब्लिक है उसको जो है दिक्कत हो सकता है। और आज देखिए, करीबन 3 या 4 मंथ हो चुका है और वो दिक्कत का सामना ये लोग करना पड़ रहा है। लेकिन उस वक्त जो है प्रशासन से ये आश्वासन दिए थे कि हम जो है इसके बदले फरवरी तक जो है नया डीजी सेट लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं लाया गया और वैसा ही हुआ। और यहाँ की जनता जो है अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बिजली की वजह से सारा दिन जो है बिजली नहीं रहते, जिस वजह से वो लोग मजबूर होकर आज फिर से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सामने खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है और उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो खड़े हैं इनसे बात करते हैं। क्या चल रहा है सर अंदर? अंदर में आप भी था जी, हम लोग भी थे। कितना सवाल किया जी, एक भी सवाल का जवाब हमारा जो यही सर नहीं दिया। उनके एक ही कहना है कि मेरे से सीनियर मैडम है, मैडम ऑन द वे है, बस में आ रही है, जब तक मैडम नहीं आएगी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आपने भी देखा है किस किस तरह का सवाल किया था। उनका कहना है मैं जो इधर बैठा हूँ अभी मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो ये लगातार चले गए धरना प्रदर्शन? नहीं, अभी उन्होंने टाइम दिया कि मैडम आ रही है बस में, तो हम लोग 3 बजे दोबारा आएंगे, फिर मैडम से पूछेंगे मैडम क्या सोल्यूशन निकाला, क्या नहीं हुआ, मैडम का जवाब के ऊपर में फिर हम लोग का धरना प्रदर्शन, उसको मैडम का जो कार्रवाई किया उस बेस पे फिर तय होगा कि धरना करना कि हम लोग घर चले जाना, वो शाम को मैडम का बात से ही क्लियर हो पाएगा। अभी इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो काम था, जिस काम के लिए आया था, तो हम लोग का जो यही सर था मना कर दिया, तो बोले मैडम आ रही है, तो हम लोग देख लेते, दो तीन घंटे की बात और है, तो 3 घंटा बाद फिर आके इधर 3 बजे हम लोग खड़े हो जाएंगे, मैडम से मिलेंगे। अगर हम लोग का सही जवाब लगा, नहीं हम लोग का फेवर में है, मैडम काम किया है, हम लोग को धरना बैठने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं बैठेंगे। अगर लगा नहीं बैठना है तो फिर पूरा डिगलीपुर बैठेंगे। क्योंकि ये सभी ने देखा जितना बड़ा यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, जब डीजी सेट लेके जाने की बात हुई थी, और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर ने रिटर्न में आके दिया था कि आपको जो है असिस्टेंट कमिश्नर में रिटर्न में नहीं दिया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हाथ से दिया गया। हाँ, उन्होंने एसी सर को लेटर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी का जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मैम है, उन्होंने हम लोग का असिस्टेंट कमिश्नर डिगलीपुर जी को एक लेटर दिया था कि फरवरी का फर्स्ट वीक तक हम लोग ये जनरेटर ले रहे हैं हम लोग में टेम्पोरेरी के लिए, ये जनरेटर फरवरी का फर्स्ट वीक तक रीइंस्टॉल डिगलीपुर में किया जाएगा। लेकिन फरवरी फर्स्ट वीक तो छोड़िए, लास्ट वीक चले गया, और अभी अप्रैल भी खत्म होने वाला है। 60 डेज का जगह 120 डेज हो चुका है, तो उसका क्या स्टेटस है वो एक यही सर से हम पूछा कि आप लोग का वो जनरेटर के बारे में क्या स्टेटस है, क्या कम्युनिकेशन किया, तो उसका कोई रिप्लाई हम लोग को मिला नहीं है। बहुत ही दुखद बात है कि एक यही को नॉलेज में नहीं है क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, उसका स्टेटस आज के डेट में क्या है। उन्होंने सब लफ्ज में बोल चुका है, बोल दिया कि मेरा हायर अथॉरिटी ई जब तक नहीं आता मुझे कुछ परमिशन नहीं है बोलने का। आप लोग ई मैडम शाम को आ रहा है, 2-2.5 बजे तक पहुंच जाएगा, आप लोग आइए, उसके बाद मैडम का थ्रू जो इंटीमेशन है क्या है अपडेट पूरा मैडम आने के बाद ही मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग आ चुका है, हमें बाहर आ गया, अभी 3 बजे तक हम लोग वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद मैडम आने के बाद क्या स्टेटमेंट देता और वो जनरेटर लेके क्या अपडेट है, अनुकूल अगर डिगलीपुर वासी के लिए अनुकूल है कि हाँ वो जनरेटर 5 दिन आए या 1 हफ्ता के अंदर यहाँ में रीइंस्टॉल होना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, जैसे उन लोग बोल के लिया यहाँ से जनरेटर बाकायदा 1 हफ्ता के अंदर यहाँ में रीइंस्टॉल होना है, ये हम लोग का डिमांड है पब्लिक का, हर पब्लिक का तरफ से पोलाइटली हम लोग रिक्वेस्ट करते कि जो जवान आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन दिया है पब्लिक को, हम लोग 2 महीने का जगह 4 महीना वेट किया, एक सबर का बांध भी रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का आज का डेट में भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है वो सबर का बांध आप लोग तोड़ने मत दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर आप लोग वो रिस्टॉल कर दीजिए, लोड शेडिंग बंद कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो यहाँ में हम लोग धरना में बैठेंगे, जो रहेगा तो हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, लेकिन हम लोग को जनरेटर डिगलीपुर को रिटर्न देना ही पड़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को मांग है। सर, जैसे कि देखा जाए कोई पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है और एक पब्लिक मिलकर कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन, लेकिन हम देखा जाए पूरा डिगलीपुर के लिए कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जो संख्या कम है आपके साथ देने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए आज हम लोग उस मार्च में हम लोग नहीं बुलाए हैं, हम लोग जस्ट एक व्हाट्सअप में एक मैसेज छो रहा था, व्हाट्सअप में एक मैसेज छो रहा था कि ये घटना जो है शनिचर को हुआ फर्स्ट टाइम, शनिचर को फर्स्ट टाइम एक 12:30 बजे पास करंट गया तो करीबन 5:30 हो चुका था, करंट नहीं दे रहा था, हम घर पे ही था क्योंकि इलेक्शन का बहुत भागदौड़ी का मेरा बहुत थकावट था, तो 5 बजे निकल के भी देखता करंट नहीं है, तो हम सीधा किसी को बोला भी नहीं, हम सीधा पारोज के अंदर आया, आके तो देखता तो उन लोग काम कर रहा था, हम बोला क्या हो गया इतना टाइम से करंट कट के रखा, तो मेरा को पहले रिप्लाई दिया कि लोड शेडिंग था, उसके बाद जैसे लाइन देने गया तो एक केबिल जल गया था, वो केबिल को चेंज कर रहा है, आधा घंटा के अंदर करंट मिल जाएगा, तो 5:30 को हम लोग यहाँ में आए थे तो 6:30 के अंदर करंट आ चुका था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पब्लिक जो मेरा गांव का ही है, ये वार्ड का है कुछ, ये गांव का ही आके मेरा साथ में कहाँ से मैसेज मिला पता नहीं, तो उन लोग भी आ चुका था, तो उन लोग का एक ही बात था इस तरह लोड शेडिंग चल रहा है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उस टाइम हम लोग यही सर को कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था, फिर इन लोग का कुछ स्टाफ लोग था तो उन लोग को बाहर जाने नहीं दे रहा था पब्लिक, तब जाके डीसी लेवल से जाके उनका पास मैसेज गया, एचएचओ सर का तरफ से मैसेज गया, तब जाके यही यहाँ पे आया, यही को हम लास्ट टाइम जब मोबाइल ऑन किया तो हम खुद उनको रिक्वेस्ट किया था सर आप आइए थोड़ा, तो बोलता मेरे को मैं अभी नहीं आऊँगा, लेकिन पता नहीं शायद ऊपर से लास्ट टाइम डीसी सर बोला कि डीएसपी सर बोला तो स्पॉट में आया, आके बोला कि मंडे आप लोग आइए 10 बजे, पूरा डिटेल्स आप लोग को मंडे 10 बजे मिल जाएगा, तो आज 10 बजे आया लेकिन उनका पास कोई डिटेल्स अभी तक नहीं है, तो मैडम आने के बाद था हेली से शायद, तो शायद उस टाइम देगा सोचा था, तो हेली भी कैंसिल हो गया, मैडम ऑन द वे बाई रूट आ रहा है, तो आने के बाद 3 बजे तक हम लोग फिर आएंगे, देख लेते क्या स्टेटस है, उसके ऊपर जाके हम लोग को क्या करना स्ट्राइक करना क्या करना हम लोग का अनुकूल लगेगा, हाँ इस लोग इतना दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा, नॉर्मल कर देगा, लोड शेडिंग नहीं रहेगा, हम लोग एक ही डिमांड है कि लोड शेडिंग नहीं होना, इंजन है खराब हो सकता है उसका रिपेयर के लिए टाइम हम लोग दे सकता, क्योंकि ये तो इंसान को भी तबीयत खराब होता तो इंजन होने से भी उसका भी तो कुछ ना कुछ पार्ट्स गड़बड़ हो सकता है, और आजकल डेट में वो सब के लिए हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, लोड शेडिंग भी होता है सर, 1-2 घंटे लोग प्रिपेयर रहते हैं लेकिन सारा दिन कटने से कैसे लोग जो है सफर कर पाए, इसको लोड शेडिंग नहीं बोलते, ये 6-7 घंटा इसको लोड शेडिंग नहीं बोलते, लोड शेडिंग होता है 1-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग होता है, लेकिन ये तो 6-7 घंटे कोई लोड शेडिंग का मतलब ही नहीं है, और सबसे ताज्जुब ये लगा है कि लोड शेडिंग का जो शेड्यूल बनाया अभी तक ई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैम का साइन भी नहीं हुआ, लेकिन इस लोग लोड शेडिंग चालू कर चुका है, हम लोड शेडिंग का डिटेल्स पूछा बोलता अभी तक साइन नहीं हुआ, सबसे ताजुब का बात यह है लोड शेडिंग बना दिया शेड्यूल अभी तक साइन नहीं हुआ लेकिन लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुका है, सबसे खराब चीज़ ये लगा है, तो लोड शेडिंग का पेपर भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। चले तो यहां से जो पब्लिक है उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनका दिक्कत क्या हो रहा है। कहां से? मैं यही गांव से हूं मैडम, और बताइए क्या दिक्कत हो रहा है, कितना देरी करंट नहीं रहता वो आपको भी पता है क्योंकि आप भी डिगलीपुर से ही हो, आपके घर में पता नहीं एक्स्ट्रा अगर रहता तो हम लोग कहाँ पे तो नहीं रहता है, तो मैडम मेरा ये कहना है कि ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, 4-5 साल से यही एक ही प्रॉब्लम होता है, एक ही इशू में बात हो रहा है और ऊपर से इशू ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो मशीन था एक वो भी यहाँ से चला जा रहा है, और जब पूछा गया था कि ये मशीन क्यों ले रहे हो जबकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ये लोग बोला कि जो मशीन्स है वो सफिशियंट है डिगलीपुर के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर लेके गया। और मैडम और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो मशीन जितना भी है उतना भी अगर ईमानदारी से चलता ना तो करंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आपको लगता है ईमानदारी से नहीं चल रहा है जो भी मशीन है? हाँ, आप मीडिया हो वो आपका फर्ज है, आप जाके देखो आसपास चेक करके देखो कितना सारा रोड बना हुआ है, तेल 2-3 दिन बाद 18,000 लीटर तेल आता है, तो वो तेल कहाँ इन्वेस्ट होता है वो तेल, हर एक का गांव में करंट मिलना मतलब आसान हो जाता अगर ये लोग सही से काम करते, तो जवाब तो कोई देता नहीं, बस ये आ रहा है वो आ रहा है। उस दिन भी हम लोग आए थे, बोले यही सर आ रहे हैं, यही सर के लिए 2 घंटा सब पब्लिक लोग खड़ा रहा, फिर आज बोल रहे हैं कि ई आ रहे हैं, तो ये धूप में खड़े हैं ना सब, तो सबको प्रॉब्लम होता है मैडम, आपको भी होता होगा। नमस्कार, वी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, हर बार आप मुद्दा दिखाते हैं, जनता के बीच आप जाते हैं, तानाशाही हिटलर राज जंगल राज, यानी कि तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या, डीसी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, एसी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग संवैधानिक पद में बैठने के लायक नहीं हैं, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की हत्या, और मैं कहता हूँ कि जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी कि डीजी सेट कब लेके गया, डीजी सेट लेके गया फरवरी में, आप बोल रहे हैं कौन सा ई आएगा कौन सा जेई आएगा पता नहीं, उसके बाद आने के बाद हम रिप्लाई देंगे, तो ई सर का पेमेंट रोक देना चाहिए, ईसी को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं एलजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा इनका तुरंत इस्तीफे का सस्पेंशन ऑर्डर निकालिए इनका, ये बोल रहा है कि इनका पास पावर नहीं है, एसी सर बोलेंगे इनका पास पावर नहीं है, डीसी सर बोलेगा इनका पास पावर नहीं है,
और पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव में जितने भी लोग बैठे हैं इनके पास जब पावर ही नहीं है तो ये संविधान के पद में बैठे क्या करने हैं। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग सरकार का पेमेंट लेकर के जनता का टैक्स का पैसा से ये लोग यहाँ पर घूमने आता है और घूम करके चला जाता है। डिगलीपुर में जब जब धूप का समय आता है तब तब फार्मर यूनियन, गरीब किसान, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये सबका घर में बत्ती चला जाता है। डीसी का घर में जनरेटर है, एसी का घर में जनरेटर है, एसपी मैडम का घर में जनरेटर है, जितना भी नॉर्थ मिल का बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग है वो फॉरेस्ट का रेंजर होने दीजिए, सबका घर में जनरेटर है, तो सारा जनरेटर को बंद कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि तानाशाही, हिटलर राज और जंगल राज देखने को मिल रहा है, इसलिए संविधान की रक्षा करना है, संविधान को बचाने का प्रयास यहाँ की जनता करेगी। और 5 दिन के भीतर अगर ये लोग जनरेटर नहीं ला के देंगे ना, हजारों लोग यहीं पर बैठेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मैं पहले भी वी न्यूज़ के माध्यम से, हर न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया था कि जनता को उतरना होगा और संविधान को बचाना होगा, क्योंकि आपका संविधान खतरे में है, आपका ताकत खतरे में है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, ये डीजी सेट को अगर वापस लाना है, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये डीजी सेट वापस आएगा, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती लेके गया, क्योंकि वो हमें बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग जाता है घूमने के लिए, हर ब्लॉक जाता है, कोई ये जाता है। मैं कहता हूँ, मैं बार बार न्यूज़ माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे, इसलिए मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। ये लोग तुरंत इस्तीफा दे दे अगर आप लोग करंट नहीं दे पा रहा है। और कौन सा प्रोविजन में 6 घंटा 7 घंटा ये करंट काटने का प्रावधान है, ये मेरे को बता दीजिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 6 घंटा आप लोड शेडिंग दे दीजिए। इसमें ऑटो चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, यानी कि गरीब जनता मर रहा है और ये लोग एसी में बैठ करके सरकार का पैसा ले रहा है, इसलिए इनका तनख्वाह को बंद कर दीजिए और संविधान को बचाने के लिए इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं डीसी सर का इस्तीफा। डिगलीपुर फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट, मेरा नाम कमल हल्दर है। आज जो यहाँ पे कल मैंने ग्रुप में मैसेज देखा था कि सीतानगर में आज इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का सामने धरना में बैठेंगे, तो मैंने भी मैसेज देख के मैंने उस मैसेज में रिप्लाई किया था कि डिगलीपुर फार्मर यूनियन जो भी कर रहा है तो उसको फुल सपोर्ट करेगा। तो मैंने उसमें लिखा था मैसेज में कि उद्याट अगर बैनर में होगा तो हम आएंगे, तो उद्याट बैनर में है तो हम लोग डिगलीपुर फार्मर यूनियन की तरफ से आए। और मैं कहना चाहते हो कि आज करंट का वजह से हमारा फार्मर का बहुत ही तकलीफ हो रहा है, क्योंकि अभी नाली में पानी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरिंग से पानी उठा के अपना खेती में जो सब्जी वगैरह होता है उसमें हम लोग बोरिंग से पानी उठा के उसी से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये करंट का वजह से बहुत ही दिक्कत हो रहा है। जैसे हमारे सारा जगह से फार्मर हमें रिपोर्ट कर रहा है कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटा भी करंट चले जाता है, रात को 3 बजे जाता है। हम लोग को पानी देने का टाइमिंग जो रहता है वो सुबह हम लोग 5-5 बजे के बाद से अपना खेती में जो मोटर से पानी देता है या शाम को दे रहा है, लेकिन वही टाइम में करंट कट रहा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही पूछना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था तब देखा गया कि 48 आवर्स से कोई करंट 1 सेकेंड के लिए भी नहीं कटा, हमको समझ में नहीं आता तो इलेक्शन का टाइम क्यों नहीं कटा। और अभी इलेक्शन का पहले 10 दिन पहले से कटिंग स्टार्ट किया, और इलेक्शन ख़त्म हो गया 20 तारीख से फिर से कटिंग स्टार्ट हो गया, वो भी 5 घंटा 6 घंटा। हमको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन से रूल में करंट कट रहा है कि 5 घंटा 6 घंटा करके। पहले देखता था, पहले हर फोन में या मैसेज जाता था कि 2 घंटा आपका एरिया में करंट कटेगा 8 टाइम से 8 टाइम, तो हम लोग क्या करता था वही सबसे अपना घर का पानी उठाना, ड्रम भरना, टैंकी में पानी भरना, जो भी काम करना, 1-2 घंटा करंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को पता ही नहीं है कब करंट कटेगा, वो भी करंट अभी जाएगा तो 6 घंटा बाद में आता है। ये बहुत ही दिक्कत होता है हमारा फार्मर के लिए, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप जल्द से जल्द अगर ये चीज़ अगर सॉल्व नहीं करेगा कि यहाँ का जनरेटर उठा के आप हैवलॉक लेके गया तो तुरंत इसको लाए, अगर नहीं लाएगा इसका बाद जो स्टेप लेगा डिगलीपुर फार्मर यूनियन के तरफ से भी। यहाँ पे आज जो जनरल पब्लिक जो धरना किया था इसमें हमारा डिगलीपुर फार्मर यूनियन के तरफ से सारा फार्मर आके हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, और यहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है उनका जो ऑफिस है वो भी बंद करेंगे, उसको भी धूप में खड़ा करेंगे। हम फार्मर हैं, फार्मर कितना तकलीफ में झेलता है वो भी आप देखिए, उसको भी हम मेरा खेत में लेके थोड़ा काम भी कराएंगे कैसे काम कर। तो जैसे कि आपने देखा हम यहाँ पर पहुँचे और इन सब से बात करें कि किस चीज़ को लेकर धरना कर रहे हैं, तो ये धरना जो है आज सुबह 10 बजे से यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है ये लोग अंदर जाके यहाँ के जो ये है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ये मैडम नहीं है और वो आज आ रही है, उसके बाद ही जो भी है डिसीजन हम बता सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि 3 बजे जो है मैडम आएंगी, उसके बाद जो है वो क्या कहती है उसके ऊपर डिपेंड होगा, और उसके बाद जो है धरना करेंगे नहीं करेंगे उसके बाद वो निर्णय लेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।